तो दोस्तों, जैसा कि सारे गामा पा लिटिल चैंप्स का सैटरडे वाला एपिसोड बहुत ही खास रहा है, क्योंकि सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के बच्चों ने इस एपिसोड में अपनी परफॉर्मर से आग लगा दी थी। ऐसे में दोस्तों, आपको बताने वाले हैं सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के सैटरडे वाले एपिसोड में किस कंटेस्टेंट का स्कोर सबसे ज़्यादा रहा है। हाँ दोस्तों, हाईएस्ट स्कोर बताने वाले हैं आपको सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के। चलिए दोस्तों, अगर आप भी सारे गामा पा लिटिल चैंप्स देखते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको सारे गामा पा लिटिल चैंप्स की सभी खबरें सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि सारे गामा पा में टॉप 10 बच्चे हैं और सभी बच्चे एक से बढ़कर एक गाते हैं, सभी की सिंगिंग बेहतरीन है। ऐसे में दोस्तों, बात करें कि सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के किस कंटेस्टेंट को सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है, तो दोस्तों आप अपनी प्यारी सिंगर जेटसन लामा को जानते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको हर एपिसोड में चार्ट बस्टर का टैग मिला है, उन्हें हर एपिसोड में 100 का स्कोर मिला है। ऐसे में दोस्तों, अब की बार भी जेटसन लामा को 100 का स्कोर मिला है। उनकी परफॉर्मेंस सैटरडे वाले एपिसोड में भी बहुत ही खास रही थी। उन्होंने कुरवा हुआ सॉन्ग पर इतनी रॉकिंग और धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी कि सारे गामा पा के जजेस के तो उजड़ गए थे। ऐसे में दोस्तों, सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के और भी बच्चों ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, जैसे कि दयानेश बरी, अथर्व वक्सी और हर्ष सिकंदर, इनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही थी। लेकिन दोस्तों, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे खतरनाक रही थी वो जेटसन लामा थी, और जेटसन लामा को सबसे ज़्यादा स्कोर भी मिला था। आप क्या कहना चाहोगे जेटसन लामा के लिए, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताओ।